रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कुलदीप इंदौरा सांसद गंगानगर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश गोदियाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि आज वह मंगलोर की जनता से निवेदन करने आए हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मंगलोर विधानसभा की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को सपोर्ट करें और जिताकर विधानसभा भेजे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज भाजपा बांटकर राज करने की नीति पर कार्य कर रही है। आज भाजपा द्वारा बाहरी व्यक्ति को बुलाकर मंगलोर विधानसभा में उतारने का काम किया है। मंगलोर विधानसभा के भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर इस बात का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है कि उन्हें मौका न देकर भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को यह चुनावी मैदान पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है। इस बात से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर कार्य कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद रहे गंगानगर के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि आज मैं मंगलोर की जनता से अपील करने आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व में विधायक रहे काजी निजामुद्दीन को जन की आवाज उठाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को मंगलोर उपचुनाव में अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजे। मैं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करने आया हूं कि ये मौका है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये मौका है कि संविधान की रक्षा के लिए, ये मौका है कि नाउम्मीदों की उम्मीद को मजबूती से जगाने के लिए, उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन जीते हैं। और इसके लिए मैं निवेदन करने आया हूँ, यहाँ की जनता उन्हें जिताए, आपस में बटे नहीं। भारतीय जनता पार्टी बांट कर राज करने की नीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर पहले से ही होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ धरातल पे कुछ है ही नहीं उनका सर। तो इसलिए वो बाहर से प्रत्याशी लाकर उन्होंने जो काम किया, उन्होंने अपने स्वयं कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित किया, कार्यकर्ताओं का भी, उनके कार्यकर्ताओं का अपमान किया। भाई मुझे जवाब देने दो, आपके प्रश्न को दोबारा लूंगा। उन्हें उनको हतोत्साहित करने का काम किया, और इसलिए सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ पर अन्य कई प्रदेशों से चुनाव लड़कर अब अंततः उत्तराखंड आए हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का असल में मकसद क्या है, तो लोग उन्हें आईना बताएंगे और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है, और ये आप जो बता रहे हैं ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। आज मंगलोर उपचुनाव के संबंध में आज आप लोगों के बीच में आए हैं, मैं तमाम मतदाताओं से सबसे पहले तो अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, हमारे साथी जो एक संघर्षशील नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और विधायक भी रहे, हमेशा दलित शोषित और आम आदमी की आवाज उठाते रहे हैं काजी निजामुद्दीन जी, उनको अपना मत डालकर विजयी बनाए। और जिस प्रकार के वर्तमान में हालात मैंने देखे हैं कि सरकार पूरा अपना प्रेशर, अपना दबाव बनाकर प्रलोभन दे के डरा कर लोगों को यहाँ सीट जिताने का प्रयास कर रहे हैं, जो की बात मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि मैं भी अभी लोगों से मिला और वहाँ काफी संख्या में लोग थे और रास्ते में भी लोग मिले जिन्होंने काजी जी के बारे में एक अच्छा संदेश दिया, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार, एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। आप भी जानते हैं जिनके दादा पिताजी इतने लंबे समय विधायक रहे, वो खुद भी पहले विधायक निर्वाचित हुए, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव, हर जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ हो सकता है कुछ कमियाँ हो, वो कमियाँ हमें लगती है कि ये कमियाँ है, लेकिन काजी जी ने, मैंने खुद देखा है काजी जी को, वो हमेशा एक आम आदमी के प्रति, गरीब के प्रति और समस्याओं के प्रति बड़ी सजग और चिंतित रहते हैं।